नमस्कार दोस्तों, मैं पवन प्राशर आपका आपके अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, और साथ में हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर होता है, और महत्व को भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो मनोविज्ञान है वो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान, इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों साइको तथा लॉजिक से मिलकर हुई। साइको का अर्थ आत्मा तथा लॉजिक का अर्थ अध्ययन से है। तो इस प्रकार इंग्लिश शब्द साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। इस प्रकार विज्ञान, यानी कि अगर हम परिभाषा की बात करें, तो इस प्रकार विज्ञान की वह शाखा जो किसी व्यक्ति या बालक की भाव भंगिमा का आंतरिक अध्ययन अथवा आत्मचिंतन के विषय में अध्ययन करती है, मनोविज्ञान कहलाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है, अर्थात मन के विषय में चिंतन करना ही मनोविज्ञान है। यानी कि मन के विषय में जो चिंतन होता है उसे मनोविज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है। मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने यहाँ पे अंकित की हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटसन के अनुसार जो परिभाषा है वो क्या है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। उसके बाद मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। और डॉक्टर राजेंद्र वर्मा के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं जो साइकोलॉजी के लिए उन्होंने दी। उसके बाद हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, यानी कि जो बाल मनोविज्ञान है वो क्या होता है। यह बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान, जिसमें बाल का अर्थ बालक एवं मनोविज्ञान का अर्थ मन का विज्ञान है। अर्थात बालक के मन का विज्ञान ही बाल मनोविज्ञान है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु वस्तुतः देखा जाए तो यह एक जैसा ही प्रतीत होता है। किंतु अगर इनके अध्ययन के क्षेत्र का विस्तृत रूप से देखा जाए तो इनमें अंतर देखा जा सकता है। बाल विकास के अंतर्गत बालक का समस्त विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, भाषा या अभिव्यक्ति, नैतिक, सेवांगात्मक, सामाजिक का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास की समस्याएं, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावी तत्व एवं बालक की शिक्षा को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, यह सब अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान का क्या महत्व होता है, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है, बाल मनोविज्ञान का महत्व, मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि सारी बातें हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं, जो नीचे दिए गए बिंदु हैं, उनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है। सबसे पहले
बालक बालिकाओं के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बाल बालिकाओं के व्यवहार को समझने के लिए भी हमें बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तित्व पर कौन-कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, यह जानने के लिए भी हमें बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तित्व निर्धारण के लिए हमें बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। विकास की बाधाएं जानने के लिए एवं उनका निवारण करने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। बालक की समस्याएं जानने के लिए भी हमें बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बालक की शिक्षा में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि मनोविज्ञान क्या है, महत्व क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी www.successforyou.in पर भी उपलब्ध है। टेक्स्ट में टेक्स्ट जो PDF फाइल्स हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो।